हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सतीश। आप सभी को स्वागत है शत्रुघ्न चौबे चैनल पे। फ्रेंड्स, पहले आपसे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं इतने दिन वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ, बस लगभग 1.5-2 महीना से ऊपर हो गया। तो फ्रेंड्स, अब आपको मैं कंटिन्यू वीडियो डालने वाला हूँ। तो आज हम बात करने वाला ऑस्ट्रेलिया वनडे कप की क्वींसलैंड वर्सेज न्यू साउथ वेल्स के बीच में होने वाली मैच के बारे में। और फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइम बचा है 10-11 घंटा यहाँ पर टाइम है, 500,000 की जैकपॉट है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, आपको मैं पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ये पूरी डिटेल्स आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, और एक बात है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर चलते हैं क्योंकि मैं इतना दिन टेलीग्राम पर भी नहीं आपको मैं टीम दिया। तो फ्रेंड्स, इसके लिए भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा स्टैट्स पर, तो फ्रेंड्स पहले शत्रुघ्न चौबे थे लेकिन यहाँ पर मैं ब्लॉगिंग भी शुरुआत किया। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर इस तरह मेरा ब्लॉग मिलेगा आपको मैच से कुछ घंटे पहले। आप जस्ट इस ब्लॉग को इस तरह क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरी मैच की डिटेल्स आपको इस तरह मिल जाएगा। तो आप यहाँ आके एक अच्छी टीम बना सकते हो फ्रेंड्स। ये मेरा लिंक है, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, आप टेंशन मत लीजिएगा, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, और मैच डिटेल्स क्या है, इस सारे डिटेल्स आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूँगा, आपको ये ब्लॉग के रूप में मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखा जाए तो ये मैच 30th मैच है फ्रेंड्स। ये मैच क्वींसलैंड वर्सेज न्यू साउथ वेल्स के बीच में खेला जाएंगे। तो ये जो भी टॉपिक है फ्रेंड्स, ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शन, मैच डिटेल्स, पिच रिपोर्ट, मैच डिटेल्स की 30th मैच है, वेदर रिपोर्ट, ड्रीम इलेवन प्रीव्यू, मैच मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर्स, कैप्टन वाइस कैप्टन, ड्रीम इलेवन टीम, टीम स्क्वाड, प्लेइंग इलेवन, प्रोबेबल विनर्स, और ये पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर मैं देने वाला। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैच डिटेल्स की पहले बात करें तो फ्रेंड्स, ये मैच 13th मैच है और ये मैच की बात करें यहाँ पर क्वींसलैंड वर्सेज न्यू साउथ वेल्स के बीच में खेला जाएंगे। और ये मैच देखा जाए तो भारत के टाइम के अनुसार 8:30 बजे होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पिच रिपोर्ट की बात करें तो पिच यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये बैट्समैन के लिए ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है, यहाँ पर फेसेस को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा स्पिनर्स से कंपेयर करें तो। यहाँ पर जो भी टीम पहले टॉस जीतेगी वो यहाँ पर गेंदबाजी करने का निर्णय ले, और यहाँ पर एवरेज फर्स्ट इनिंग्स को 270 से 290 रन तक बन सकता है। और यहाँ पर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्रोकन क्लाउड्स रहने वाली है, और यहाँ पर बात करें तो फ्रेंड्स, ये टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाला है, कोई बारिश के चांसेस नहीं है। और यहाँ पर ड्रीम इलेवन प्रीव्यू की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पूरे ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वींसलैंड यहाँ पर खेलने वाली है न्यू साउथ वेल्स के साथ, वो भी ऑस्ट्रेलिया वनडे कप है फ्रेंड्स, यहाँ पर वेडनेसडे कल होने वाला है। और यहाँ पर देखा जाए तो क्वींसलैंड अभी तक इस सीजन में अभी तक 4 मैच खेले फ्रेंड्स, उसमें 3 मैच जीत गए और 1 मैच कैंसिल हुआ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक नंबर 1 पोजीशन पे है 16 पॉइंट्स के साथ। वही क्वींसलैंड की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लास्ट मैच यहाँ पर साउथ ऑस्ट्रेलिया को 160 रन से हराया। यहाँ पर लेफ्ट हैंड बैट्समैन उस्मान कवाजा की बात करें तो 149 रन बनाए हैं और इनकी एवरेज है 49.66 और स्ट्राइक रेट है 88.69। फ्रेंड्स, ये वनडे मैच है इसलिए इनकी स्लो खेल रहे हैं। यहाँ पर मैच्यू लीड रनर गेटर ऑफ दिस टीम, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर उस्मान कवाजा इस टीम के ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर मैच्यू कुहनीमान की बात करें तो यहाँ पर बेस्ट बैट्समैन और मोस्ट कंसिस्टेंसी बॉलर है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी तक 3 मैच में इन्होंने 10 विकेट लिए फ्रेंड्स। और इकॉनमी की बात करें तो यहाँ पर 5.07 की है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर समझ सकते हो 3 मैच में 7 विकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और बिनली स्टेनलेक ने 6 विकेट लिए 3 मैचों में, और इनकी बेस्ट बॉलिंग फिगर की बात करें तो 4 विकेट 24 रन दिए फ्रेंड्स यहाँ पर। तो देखा जाए तो बेहतरीन बॉलिंग फिगर इनकी है यहाँ पर। वही अदर हैंड न्यू साउथ वेल्स की बात करें तो यहाँ पर साउथ वेल्स सेकेंड पोजीशन पे है फ्रेंड। इनकी बात करें तो अभी तक 4 मैच खेले फ्रेंड, 4 में 3 मैच जीत गए। तो इनका भी एक मैच अबैंडेड हुआ फ्रेंड्स, मतलब कैंसिल हो गया। यहाँ पर न्यू साउथ वेल्स ने लास्ट मैच में तस्मानिया को 3 विकेट से हरा दिया। और डेविड वार्नर की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कमबैक किए, लास्ट 2 मैच में 195 रन बनाए और इनके 150 और 1 शतक भी है फ्रेंड्स यहाँ पर। पूरे डिटेल के साथ मैंने लिखा फ्रेंड्स, पहले आपको मैं डायरेक्ट देता था लेकिन इस बार मैं पूरे डिटेल के साथ आपको दे रहा हूँ क्योंकि आपको पढ़ने में ईजी हो जाए। और यहाँ पर देखा जाए तो ही लुक्स ट्रिमेंडस फॉर्म एट द मोमेंट फ्रेंड्स, मतलब पूरे इंग्लिश में मैं दे रहा हूँ, आप अच्छे से समझ लीजिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर। तो आपको इसलिए मैं यूट्यूब पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये अच्छे फॉर्म में है। और स्टीवन स्मिथ की बात करें तो 1 मैच खेले फ्रेंड्स, 1 मैच में 127 रन बनाए और एवरेज भी 127 रखें और इनकी स्ट्राइक रेट 102.41। तो स्टीव स्मिथ को आप जानते हैं फ्रेंड्स, कितनी एक्सपीरियंस है डेविड वार्नर को भी। तो स्टीवन स्मिथ 1 मैच खेले 1 शतक लगा दिए फ्रेंड्स, और दूसरे मैच में आज कल खेलने की चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ पर बेन द्वार हुस की बात करें तो यहाँ पर लीड विकेट टेकर है फ्रेंड्स न्यू साउथ वेल्स के लिए, यहाँ पर 8 विकेट लिए फ्रेंड्स 3 मैचों में। सीन अबॉट ने और लियम हैचर को 6 विकेट मिला 3 मैच में। और पैट कमिंस की बात करें तो यहाँ पर अच्छे ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लगभग 70 रन तक बनाए फ्रेंड्स यहाँ पर। और 3 मैच में यहाँ पर
तीन मैच में 5 विकेट लिए और इनके अकाउंट में देखा जाए तो 3.82 रन पर ओवर दिए हैं। तो यहाँ पर आपको पता है फ्रेंड्स, पैट कमिंस टेस्ट के नंबर वन बॉलर हैं और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के लिए लंबे समय से खेल रहे हैं। तो यहाँ पर पैट कमिंस आपको बेस्ट ऑप्शन होने वाला है कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर दोनों टीम की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस सारे प्लेयर्स को अगर आप ग्रैंड लीग आपको 6 से 11 टीम बनाते हैं तो फ्रेंड्स ये प्लेयर को फॉलो कीजिए, किसी दूसरे प्लेयर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को जो भी दिया फ्रेंड्स, यहाँ पर कितने हाईएस्ट शतक मारने वाले प्लेयर को दिया यहाँ पर मैंने, और यहाँ इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आपको मैं हाईएस्ट फोर्स वाले दें, हाईएस्ट एवरेज वाले प्लेयर, सब प्लेयर मैंने यहाँ कवर करके अच्छी तरह टीम बनाया। तो फ्रेंड्स, ये प्लेयर्स आपको काफ़ी है कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए और ग्रैंड लीग के लिए भी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखा जाए तो क्वींसलैंड से आपको यहाँ पर बेस्ट प्लेयर है फ्रेंड्स उस्मान खवाजा। आपको ऑलरेडी पता है फ्रेंड्स, उस्मान खवाजा क्वींसलैंड से ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी में एक है। अभी जिमी पैरिसन विकेट कीपर है फ्रेंड्स यहाँ पर, जैक वाइल्डरमुथ, सैम हेजलेट, मैथ्यू कोहनीमन और बिली स्टैनले के फ्रेंड। यहाँ पर ये सारे प्लेयर्स आपको इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर न्यू साउथ वेल्स की बात करते हैं, यहाँ पर डेविड वार्नर, स्टीवन स्मिथ, पैट कमिंस, ओलियर डेवियस, बेन वारहिस, सीन अबाउट और लियम हैचर है फ्रेंड। तो यहाँ पर ये सारे प्लेयर्स आपको काफ़ी है और कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर टीम आगे बता देते हैं। ड्रीम इलेवन टीम की बात करें तो विकेट कीपर में पैरिसन को लिया फ्रेंड्स, यहाँ पर डेविड वार्नर, स्टीवन स्मिथ, उस्मान खवाजा, हेजलेट, यहाँ पर मैं चार बैट्समैन को ट्राई किया। ऑलराउंडर्स में फ्रेंड्स यहाँ पर मोइसेस हेनरिक्स, सीन अबाउट, मैग्नस लेबुसन को मैंने ट्राई किया फ्रेंड्स। लेबुसन को आपको टीम में लेना है क्योंकि यहाँ पर मैंने उनको मेंशन नहीं किया, लेकिन यहाँ पर आपको मैं मेंशन कर रहा हूँ इसलिए आपको यहाँ पर यूट्यूब वीडियो में पूरे डिटेल के साथ देखने बोलता हूँ। तो लेबुसन आपको इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्या प्लेयर आपको पता है। और यहाँ पर गेंदबाजी में पैट कमिंस, द्वारिस्थ और लियम हैचर फ्रेंड्स यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर 6 से 11 टीम बनाते तो फ्रेंड्स इसी प्लेयर्स को यहाँ पर जो भी मैंने प्लेयर दिया आपको वहाँ उसी प्लेयर्स को कैप्टन और वाइस कैप्टन रिपीट करना है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो यहाँ पर टीम आपको मैंने दे दिया फ्रेंड्स। यहाँ पर टीम स्क्वाड की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप टीम स्क्वाड देख लीजिए दोनों टीम के क्या है, और यहाँ पर प्लेइंग इलेवन की बात करें तो प्लेइंग इलेवन भी आप देख लीजिए यहाँ पर दोनों टीम के क्या होने वाला है, और यहाँ पर प्रोबेबल विनर्स की कौन टीम जीत सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्टैट्स पंडित, मेरा ये ब्लॉग का नाम है फ्रेंड्स स्टैट्स पंडित। तो स्टैट्स पंडित मेरा टेलीग्राम चैनल का अभी नाम है, लेकिन यूट्यूब में रखने वाला शत्रुघ्न चौबे चैनल है। तो यहाँ पर स्टैट्स पंडित प्रिडिक्शन की बात करें तो यहाँ पर ये दोनों टीम यहाँ पर जीतने की चांसेस हाई है, लेकिन यहाँ पर न्यू साउथ वेल्स ये मैच जीतने की चांसेस बहुत हाई है फ्रेंड्स यहाँ पर। और फाइनल टीम आपको मिलने वाला, कोई भी अगर प्लेयर मिस होता है तो यहाँ पर टेलीग्राम पर मिलने वाला। तो फ्रेंड्स चलिए आपको मैं टेलीग्राम पर दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं टेलीग्राम पर बहुत कम डाल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ब्लॉग्स मेरे नज़र आ रहा है आपको। तो फ्रेंड्स क्योंकि मैं ब्लॉग क्यों बना रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको पता रहना चाहिए कि मैं अगर यूट्यूब पर मैं वीडियो डालता हूँ तो 2 से 3 वीडियोस ज़्यादा नहीं डाल पाता हूँ, लेकिन अगर ब्लॉग की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मैं 10 से 12 मैचेस यहाँ पर आपको मैं टेलीग्राम में कवर कर सकता हूँ। लेकिन आपको फ्रेंड्स अभी मैं फिलहाल 1, 2, 3 तक मैं कवर करके बताऊँगा क्योंकि मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, ब्लॉगिंग थोड़ा थोड़ा बहुत धीरे धीरे सीख चुका हूँ, लेकिन और यहाँ पर आपको पूरे डिटेल के साथ आपको टेलीग्राम में 10 से 12 मैचेस, अगर एक दिन में क्रिकेट अगर 20 मैचेस है तो ये 20 मैचेस भी आपको मैं टेलीग्राम प्रोवाइड कर दूंगा फ्रेंड्स, ये मेरा प्रॉमिस है 100% भी है। तो फ्रेंड्स यही है पूरी वीडियो, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि 10 मैचेस अगर मैं कवर करता हूं तो ये ग्रेट होता है फ्रेंड। तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना फ्रेंड्स। थैंक यू एंड विश यू गुड लक टू एवरीवन।